फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई मम्मा चैनल। तो कैसे हैं आप? आज मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हमेशा मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ, बट आज मैंने कहा मम्मा पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ छोटा सा। जी मम्मा, आज आपके किचन में क्या बन रहा है? आज मेरे किचन में नूका बन रहा है बेटा। ओके, सो आज मम्मा बना रही है अपने किचन में फ्रेंड्स नोगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता क्या होता है, बट देखने के बाद बताऊंगी। मम्मा मुझे बता ही नहीं रही थी क्या होता है। मम्मा कह रही है बनेगा देख लेना ना। अब मम्मा बनेगा तो मैं देखूंगी। जी आ जाओ मम्मा। जी तो दोस्तों, देखे आपने, ये शरारती सी मेरी बेटी, यही मेरे सारे काम करती है। चलें जी, आज हम बना रहे हैं नोगा, जो कि पुराने ज़माने में कभी गचक कहते होते थे उसको। और वो याद होगा सबको कि बहुत मज़े की होती थी, अभी भी मिलती है। लेकिन जैसे अंदरूने शहर हो गया, वसंतपुरा, शादबाग, भगवानपुरा, इन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ हम जब से सोसाइटीज़ में आए हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पुरानी हमें यहाँ नज़र नहीं आती, लेटेस्ट हैं जी यहाँ पे चीज़ें। लेकिन मेरा दिल किया कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा ने पहले ही पीनट का बाउल यहाँ पे सजा दिया था और मैं इसमें से बाउल में से पीनट निकाल के खाई जा रही हूँ। अभी काम हो जाएगी। अब अच्छा मैंने जी, चलिए अभी जी, खाती। हम ये स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ क्या ले लेना डाला? है 1 1/2 कप चीनी, 1 1/2 कप शुगर। ठीक है? ये हमने शुगर ले ली, थोड़ी सी ज़्यादा हम कर लेते हैं। चलिए जी, अब हम इसको ना मीडियम आंच पे मेल्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखें जी, ये अब मैंने चीनी मेल्ट होने रख दिया लो फ्लेम पे, ठीक है? अभी जब मेल्ट होगी फिर अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून बटर का डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसको अपने उसके मुताबिक भी डाल सकते हैं शुगर को। हम लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, इसलिए मम्मा ने ज़्यादा डाल लिया। फ्रेंड्स प्लीज़ मम्मा की लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर दीजिए। आप कमेंट ही नहीं करते कि नेक्स्ट वीडियो क्या मम्मा को अपलोड करनी चाहिए, प्लीज़ कर दिया करें। फिर मम्मा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं क्या बनाऊँ मैं क्या बनाऊँ, फिर मैं उनको मशवरा देती हूँ, फिर वो मम्मा बनाती हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मम्मा आपके लिए क्या लाएँ। मम्मा मिक्स ये देखें जी, ये अब इस तरह की हो गई है चीनी, ये आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे आपको नज़र आ रहा होगा मेल्ट हो रही। ये सारी अब मेल्ट होगी ना, फिर हम इसकी वो बटर डालेंगे इसके अंदर, और फिर साथ ही हम इसमें वो पीनट डाल देंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, जब मम्मा इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं ना, तो यूट्यूब चैनल के बहाने हमें भी खाना मिल जाता है इतना मज़े का। हम लोगों ने लिटरली, हम सब बहनों ने ना मम्मा से यही बात की है कि मम्मा आपके ना यूट्यूब चैनल के बहाने ना हमें इतना मज़े का खाना मिल जाता है। फ्रेंड्स आप यकीन करें, मम्मा ने पहले अचार गोश्त बनाया, वो इतने मज़े का नहीं इन्होंने फ्रेंड, बनाया। वैसे ये भूखे रहते हैं जब यूट्यूब पे वीडियो बनती है ना, फिर इन्हें खाने को हाँ, मिलता है। यूट्यूब पे जब इनकी हमारी वीडियो बन रही होती है ना, इनकी वीडियो रिकॉर्ड होती है, तब हम सारे भूखे बैठे होते हैं। वीडियो बनाने के बाद जो जैसा हमें खाना मिलता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ का खाना खा रहे हैं। बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। बहुत शरारती हो। यूट्यूब चैनल के बहाने जो इनके हाथ चलते हैं ना, तो वाह। ये देखिए, ये अब शुगर काफ़ी मेल्ट हो गई है, अब ये लाइट कलर इसका आ गया है, थोड़ा सा बस डार्क हो जाए और ये सेंटर में थोड़े थोड़े अभी रह गए हैं चीनी के ना, ये भी मेल्ट हो जाए। जी फ्रेंड्स, मैं मम्मा से यही कह रही थी कि अभी मम्मा ने शुगर डाली है और वाइट शुगर ऐसे ब्राउन में हुई है ना, ऐसे लगे शक्कर है। फिर मैंने मम्मा से कहा मम्मा हम दोनों यूट्यूब पे बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह फन होता है, बहुत मज़ा भी आता। इसको मम्मा जब पूरा मेल्ट कर लेंगी अब फिर आपको दिखाएंगे हम। ये देखें दोस्तों, ये अब काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, ठीक है? अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। ये हमने इसको अब इसमें डिजॉल्व करना है। ये देखें, ये अब मैंने बटर डाला और ये किस तरह का थिक हो गया। अब हम इसमें 1 कप पीनट डाल देंगे। अब अच्छी तरह हमने पीनट को इसके अंदर कोट करना है।
अजीब सी स्मेल आती है ना फ्रेंड्स, जब ये मम्मा बटर डाल देती है ना, मुझे बटर बहुत बुरा लगता फ्रेंड्स। ये मम्मा ने कर दिया, ये देखें दोस्तों, ये मैं अब इसको ग्रीस कर रही हूँ। एक पैन में हम इसको ग्रीस करके वो मिक्सचर डाल देंगे, ठीक है। ये देखें दोस्तों, अब मैंने इसको इसमें डाल दिए, अब ये जम जाएगा। इसको हम 15 to 20 मिनट आई थिंक के ये जम जाएगा, फिर हम इसके पीसेस कर लेंगे। फ्रेंड्स ये मम्मा जब भी कोई चिपचिप चीज़ बनाती है ना, तो इनको होता है कि फौरन ना उसके अंदर पानी डाल के तो रख दें उसको, क्योंकि अच्छा पीछे खड़े होके ना मुझे देख रही है ये तो ये फ्रेंड्स मैं हर बात बोला करूँगी, ठीक है। तो खैर ये मम्मा को होता है कि ना ये पानी डाल के तो उसको रखते हैं, क्योंकि सही करती हैं, क्योंकि इस तरह करें ना तो जो होती है ना चिपचिप जो होता है ना वो चिपचिप नहीं होता है, आपकी कढ़ाई या पैन जो भी जिसमें भी आपने रखा होता है। अच्छा ये मम्मा के छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेज हैं, ये इतना प्यार करती है ना इनसे, बस मैं आपको फ्रेंड्स क्या ही बताऊं। अच्छा पीछे खड़े होके मुझे देखी जा रही है, देखी जा रही है, फिर चम्मच को मैं उसके ऊपर से उतारी जा रही है, सब देखी जा रही है। अच्छा अब ये देखिए दोस्तों, ये मैं इसको इसके पीसेस के निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जब ये जम जाएगा ना पूरा, तब नहीं इसके कटेंगे पीसेस। ये देखिए सर्दी की वजह से बहुत हद तक जम चुके हैं फ्रेंड्स, इन्होंने 10-15 मिनट रखा है ना, मैं कैमरा होल्ड करके बैठी रहती हूँ इतनी देर ना। अब इनको पीसेस में जब मम्मा कट कर देंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी आप सब, ये हमारे बन गई नोका। इसमें हमने पीनट डाला, शुगर को पहले मेल्ट किया, बटर डाल के फिर हमने पीनट को कोट कर दिया, फिर हमने इसको पैन एक ग्रीस करके उसके अंदर हमने इसको स्प्रेड किया, फिर उसके पीसेस बना लिए। आप खाएं, ये बहुत मज़े का है, ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मेरा तो जाने का टाइम आ गया है, इजाज़त दीजिए, अब ये मेरी शरारती बेटी आपसे बात करेगी। अल्लाह हाफिज़। मम्मा ये नोगा के अलावा इसका और नहीं का नाम होता? नहीं। अच्छा फ्रेंड्स ये मम्मा ना मैंने अभी खाया है, एंड देर आर नो वर्ड्स फ्रेंड्स, नो वर्ड्स फॉर दिस नोगा। बट जब बनाना होता है ना तो YouTube वीडियो के लिए इतना अच्छा खाना बन जाता है, इतना अच्छा खाना बन जाता है ना। अच्छा जी, सो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, आपने ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और मेरी मम्मा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो अब मम्मा मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।